सो क्लास, व्हेन आई से अबाउट अ ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है, अब ये हम एक ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर ये ब्रांच है तो मतलब इसका एक हेड ऑफिस भी होगा. व्हाट यू से, इसका एक हेड ऑफिस भी होगा. सी वेर यू हैव अ लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू हैव अ लार्ज कंसर्न्स, तो उसका कैसा होता है, उसका एक मेन ऑफिस होता है एंड देन दे हैव अ मेनी ऑफ द लोकल ऑफिसेस. तो जो मेन ऑफिस कहता है, जो मेन ऑफिस होता है दैट इज नोन एज अ हेड ऑफिस और यू कैन से एचओ. और जो भी उसके लोकल ऑफिसेस होंगे तो उसको हम कहते हैं ब्रांच. सो द हेड ऑफिस विल बी एनी ऑफ द वन स्टेट, कोई भी एक जगह पर उसका मेन ऑफिस होगा एंड योर द ब्रांचेस विल बी इन द डिफरेंट डिफरेंट सिटीज. सो व्हाट इज अ ब्रांच, अ ब्रांच इज नथिंग बट इट इज अ लोकल ऑफिस, ठीक है. इतने बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसके लोकल ऑफिसेस है तो हम उसको कहते हैं ब्रांच. नाउ व्हाई द ब्रांचेस आर ओपन, कैन यू ऑल टेल मी व्हाई द ब्रांचेस आर ओपन, व्हाट इज द मेन रीजन, क्यों उन लोग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स का एक आउटलेट एक मेन ऑफिस होगा बट उसके बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, हर एक डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट एरिया इट विल बी हैविंग इट्स ब्रांचेस. सेम गोज फॉर द बैंक, बैंक का जो एक ऑफिस होता है मेन ऑफिस एक जगह पर सिचुएटेड होता है एंड वी इन द एवरी ऑफ द दिस स्टेट्स इन एवरी ऑफ द सिटीज वी हैव अ ब्रांचेस. सो व्हाई द ब्रांचेस आर देयर, क्या रीजन हो सकता है ब्रांचेस होने के. यस, टू मेक द वर्क इजी, टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल कन्वीनियंस, ऑब्वियसली होता है बट मेन इज दे वॉन्ट टू इंक्रीज दे आर सेल्स. वॉट दे वॉन्ट टू इंक्रीज दे आर सेल इन द वेरियस एरियाज, क्योंकि एच ओ डायरेक्टली ना सबको सर्व नहीं कर सकता है. सो वॉट दे डू, दे ओपन द ब्रांचेस फॉर द सेम. सो हाउ इट इज बिन, ये प्रोसेस कैसे होगा देन, एच ओ इन्वेस्ट द फंड्स, ठीक है, एच ओ अपने फंड्स को जो भी है वो इन्वेस्ट करेगा और ब्रांचेस ओपन करेगा. दे विल सेटअप द ब्रांचेस एंड दे विल रन द ब्रांचेस. सो बेसिकली व्हेन आई से ना, तो जो भी ये प्रॉफिट होगा ना, देखो इन्वेस्टमेंट भी कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट भी होगा ना ब्रांच का, देन इट ऑल्सो बिलोंग्स टू योर हेड ऑफिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर वो कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट भी बिलोंग करेगा ब्रांचेस का, दैट प्रॉफिट विल बिलोंग टू द हेड ऑफिस. सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस ब्रांच अकाउंटिंग क्लास इज टू असर्टेन द ब्रांच इनकम. हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता चले कि हमारे ब्रांच में कितना इनकम हो रहा है, वो ब्रांच में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारे ब्रांच में कितने असेट्स है, हमारे ब्रांच में कितनी लायबिलिटीज है. सो ब्रांच अकाउंटिंग विल हेल्प यू विथ, हेल्प यू मीन्स है यहाँ पर हेड ऑफिस को वो हेल्प करता है टू डिसाइड के मुझे पर्टिकुलर ब्रांच को कंटिन्यू करना चाहिए कि मुझे वो डिसकंटिन्यू करना चाहिए. अगर मुझे ब्रांच अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देती है तो आई शुड कंटिन्यू माई ब्रांच, अगर वो मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं करके देती है तो आई शुड डिसकंटिन्यू. आप लोग देखोगे कि बहुत सारे एरियाज में ना बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस अभी कम होते जा रही है, जहां पर पब्लिक इतना पब्लिक अगर आपको वहां नहीं मिलेगी, अगर उनको लग रहा है कि इतने अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे तो दे विल डायरेक्टली शट डाउन इट, ठीक है, वो एरियाज की उतनी ब्रांचेस उन लोग काम कर रहे हैं. सो हम यहाँ पर ये वाले चैप्टर में यही हेड ऑफिस को क्या पता लगाना है कि ब्रांच अकाउंट से हमें पर्टिकुलर ब्रांच में हम कितना प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हैं एंड वेदर वी शुड कंटिन्यू दिस और वी शुड डिसकंटिन्यू दिस. नाउ क्लास ऑलवेज रिमेम्बर, दिस ब्रांचेस आर क्लासिफाइड, वैसे तो दो पार्ट्स में ये क्लासिफाई करती है, एक होता है इंग्लैंड ब्रांचेस मतलब जो आपकी कंट्री में होगी, एक होते हैं फॉरेन ब्रांचेस. सो वी डोंट नॉट हैव टू राइट नाउ स्टडी अबाउट द फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग बेसिकली अबाउट द फॉरेन ब्रांचेस. हम लोग किसके कंसर्न है, हम लोग फिलहाल इंग्लैंड ब्रांच से कंसर्न, वी आर मोर ओवर कंसर्न अबाउट द इंग्लैंड ब्रांचेस. Now class, this branch is again divided into the two parts. England is divided into the two parts, independent branch and dependent branch. This is very important. Your branch accounting is divided into the two types, dependent and independent. Now what I mean by dependent, dependent means ke wo head office ke upar dependent hoga for keeping its account. ठीक है, उनकी जो डिपेंडेंसी होगी वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, इनकी हेड ऑफिस पर होगी. एंड इन और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा वो क्या करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच कीप्स ऑल इट्स अकाउंट एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, वो अपने से खुद से अपनी इनकम एक्सपेंसेस असेट्स लायबिलिटीज को अलग से रखेगा, वेयर इज डिपेंडेंट ब्रांच विल
उसके जो भी अकाउंट्स होंगे दे आर बीन कैप्ट एट द हेड ऑफिस. बस दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन योर इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड द डिपेंडेंट ब्रांच. होल ऑफ द अकाउंट्स यहाँ पर कहाँ होगा, हेड ऑफिस में, और यहाँ पर कहाँ, खुद से इंडिपेंडेंटली दे विल बी मेंटेनिंग इट. ठीक है, सो जहां पर भी डिपेंडेंट ब्रांच है वहां के जो जो भी इनकम एक्सपेंसेस जो असर्टेन करेगा, असेट्स लायबिलिटीज को जो असर्टेन करेगा, वो कौन असर्टेन करेगा, दैट विल बी असर्टेन बाय हेड ऑफिस ओनली. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग क्लास, भले हमारे पास मतलब फॉरेन ब्रांच और इंडियन ब्रांच है, इंग्लैंड ब्रांच अभी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया ब्रांचेस, बट इसके जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की भी अलग अलग मेथड होती है. वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर द सेम. सी फॉर एग्जाम्पल, हम ये वाले जो चैप्टर है, यहाँ ये वाले चैप्टर में भी हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं. एक हम पढ़ने वाले हैं डेटर्स मेथड, और सेकेंड हम जो पढ़ने वाले है वो है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. बिकॉज हियर वी आर बेसिकली कंसर्न विथ, हम यहाँ पर ज्यादातर किसका पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिपेंडेंट ब्रांच. वी आर गोइंग टू स्टडी द अकाउंटिंग ऑफ एन डिपेंडेंट ब्रांच, ये वाला मेथड ऑफ मेंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ एन डिपेंडेंट ब्रांच. ठीक है, सो इन दैट वी आर मोर ओवर कंसर्न विथ टू मेथड्स, वन इज डेटर मेथड एंड अनदर वन इज अ स्टॉक एंड डेटर मेथड. वी आर नॉट इवन सीइंग दिस प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड भी हम नहीं देख रहे, हम होलसेल ब्रांच मेथड भी नहीं देख रहे. वी आर इन दिस चैप्टर वी आर ओनली एंड ओनली कंसर्न विथ अ डेटर मेथड एंड द स्टॉक एंड डेटर मेथड. बस रिमेंबर दिस टू थिंग्स. क्लियर, एनी डाउट टिल हियर? नाउ जैसे मेथड अलग होता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है क्लास, वैसे ही मेथड ऑफ प्राइसिंग भी होता है. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, जो भी गुड्स सेंड करेंगे ना, सी डिपेंडेंट है तो मतलब एचओ विल बी कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स. तो वेन एवर द एचओ दैट इज अ हेड ऑफिस विल बी सेंडिंग द गुड्स टू द ब्रांच, दे कैन सेंड एट द कॉस्ट प्राइस. या तो वो कॉस्ट प्राइस पर कर सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस होगा उसके ऊपर, या तो फिर दे कैन इवन डू इट ऑन द इनवॉइस प्राइस, वो इनवॉइस प्राइस पर भी भेज सकते हैं. दैट इज अपना थोड़ा सा जो प्रॉफिट होगा वो एडअप करके इनवॉइस प्राइस पर भी भेज सकते हैं इन लोग. सो लाइक वी हैव अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, लाइक टू मेथड्स है, डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, वैसे ही जो हमारा प्राइजिंग सिस्टम है वो भी दो, यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्राइजिंग है वो भी कौन से होंगे, दो होंगे. एक वन विल बी एट अ कॉस्ट, अनदर विल बी एट अ इनवॉइस प्राइस. सो बेसिकली यू हैव टू सी दिस पार्ट. वेट, दिस and these two parts we have to see right now. We are not concerned right now for the foreign branch as well as for this methods as well. हमें ये chapter में सिर्फ debtors method and stock and debtors method including at the cost price and at the invoice price we have to study. Okay? डेटर मेथड में भी दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस. इवन इन द स्टॉक एंड डेटर मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ ऑन द कॉस्ट एंड एट द इनवॉइस प्राइस.